हाय गाइस, आपको थंबनेल देखे तो पता चल ही गया। हाँ, आज करने वाला हूँ हैप्पी न्यू ईयर फोटोशूट। अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पर हैप्पी न्यू ईयर एडिटिंग, लेकिन आपका भाई करने वाला है न्यू ईयर फोटोशूट। और इसके लिए मैं कुछ जुगाड़ पहले से बना के रखा हूँ। पहले मेरा एक वीडियो में आपने देखा होगा तो मैं टायर से फोटोशूट किया था, उसमें मैंने यूज़ किया था ग्रीन टायर। ये है, आज इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ जीरो के हिसाब से, मतलब जीरो तो होना ही पड़ेगा, एक जीरो होगा। 2022 मैं 2 बना के रखा हूँ। और इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगा, इस तरह से मैं बनाया काट कर, और उसके साथ मैंने इसमें कलर ऐड किया क्योंकि मेरा जो ग्रीन कलर है वो टायर पे था पहले से। और इसके साथ मैं जीरो ऐड करने वाला हूँ इस तरह से। और आप सोचोगे कि भाई ये दो चीज़ से कैसे हो सकता है, तो 2 से 0 हो गया 20, और यही 2 को 2 बार यूज़ करेंगे हो गया 22। तो 2022 करने वाला है फ़ोटोशूट, और इस मेहनत पे एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से कर दो। तो ज़्यादा टाइम यूज़ ना करते, शुरू करते। ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, स्किप मत करना, तो शुरू करते। तो ओके गाइस, ये फोटोशूट करने के लिए पहले आपको फ्रेम समझना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम बहुत मैटर करेगा इसमें। अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो उसके लिए पहले से और 2 बंदे की फ्रेम रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जब आप 2 बंदा ऐड करोगे उसके लिए जगह होना चाहिए। इसमें और एक बात ध्यान रखना है, जब आपका कैमरा एंगल होगा उसी एंगल से फोटोशूट करना है, और आपने जितना जूम किया उतना ही जूम करना है, ना कि उससे ज़्यादा ना कि उससे कम। और एंगल भी थोड़ा ऊपर भी नहीं करना, नीचे भी नहीं करना। जिस एंगल से एक फ़ोटो होगा तीनों फोटो उसी एंगल से होगा। जो आप देख सकते हो मेरा जो कैमरामैन है उसी एंगल से 3 फ़ोटो क्लिक करेगा। और इसमें जो फ्रेम होगा, पहले 3 बंदा की फ्रेम होगा, जैसे कि एक इधर और इधर और बीच में, तो इतना फ्रेम रख के फ़ोटो क्लिक करूँगा। तो इतना फ्रेम रखने के बाद फर्स्ट जो फ़ोटो होगा इधर होगा, इधर 0 एंड इधर 2। आप देख सकते हो ये सब आप बाय भी कर सकते हो, ये 2 आप खरीद के ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा हाइट पे छोटा होगा। लेकिन मैं ये खुद हाथ से बनाया है, बहुत मेहनत करके, इसमें हाइट भी ज़्यादा है। और इसमें पॉज के बारे में बात करें तो आप इसमें इस तरह से पैर रख के सिंपली इस तरह से कर सकते हो। करने के बाद आपका जो मर्जी, मैं 2-3 इस तरह से ट्राई करके देखता हूँ। गाइस, ये हो गया हमारी एक फ़ोटो। अभी जो नेक्स्ट 2 नंबर फोटो होगा, इसमें जो टायर होगा ये थोड़ा भी नहीं हिलाएंगे, मतलब इधर उधर जाएगा तो उसमें एडिटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो इधर ही रखेंगे। रखने के बाद अभी 2 को रखेंगे पीछे, इसे इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद और इस तरह से भी आप पॉज कर सकते हो, नहीं तो आप इधर बैठ के भी दोनों चीज़ पकड़ के रख सकते हो। और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, कपड़े को चेंज करूँगा, इसमें थोड़ा दिक्कत है। आप चाहो तो सेम ड्रेस पे कर सकते हो। तो गाइस, ये हमारा हो गया 2 नंबर फोटो। अभी जो तीसरा पॉज होगा वो करेंगे थोड़ा और एक साइड, इधर एक 2 है और दूसरा 2 होगा इधर, तो इधर होगा, तो ठीक सेंटर पे रख दिया। अभी ड्रेस फिर से चेंज कर लूँगा, साथ ही साथ शूज़ भी चेंज कर लूँगा, तो फटक से कर लेते हैं। तो गाइस, ड्रेस चेंज कर लिया। अभी जो नेक्स्ट हमारा 2 होगा, इसमें आप चाहो तो कुछ भी पॉज कर सकते हो। सिंपली इस तरह से करूँगा, पैर को क्रॉस करेंगे और इस तरह से लुक्स करेंगे, मस्त ऐसे होगा। तो ये हो गई हमारी फ़ोटोशूट कंप्लीट। अभी हमारे पास है 3 फ़ोटो, इसको एक साथ ऐड करना है, तो चलो इसका एडिटिंग प्रोसेस देखते हैं। ये फ़ोटो एडिट करने के लिए पहले आपको जो मेन फ़ोटो है वो शेयर कर लेना है पिक्सर आर्ट पर। तो आप देख सकते हो इधर और भी 3 बंदा इधर रह सकता है, उतना जगह है बैकग्राउंड पर। तो जितने भी फ़ोटो मैं डाउन एंगल से फ़ोटो क्लिक किया तो सारे मैच करने में आसानी होगा। और इसमें जो बेस्ट लगता है वो क्या होता है कि अगर आप आउटडोर में फ़ोटोशूट करते हो तो मैच करना एकदम इजी होता है। तो और भी फ़ोटो है जो मैं ऐड कर लूँगा, तो पहले और एक फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। तो चलो ये फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। तो गाइस, ये जो फ़ोटो है तो इसको ऐड करने के लिए पहले आप देख सकते हो इसमें जो मैंने पोजिशन में फ़ोटो क्लिक किया वो टायर पर पैर रख कर, क्या हुआ कि ये जो टायर है इसके ऊपर पैर रखूँगा तो उसके ऊपर रख दिया, जिसमें मैच करने में थोड़ा ईजी हो। तो क्या करेंगे, सेम इसी तरह से जूम करेंगे और इसका ओपेसिटी कम कर देंगे, और जितना पार्ट नहीं सही उतना क्रॉप कर देंगे। तो क्रॉप पर क्लिक करना है और आधा पार्ट आपको क्रॉप कर लेना है।
क्रॉप करने के बाद डन कर देना है। ओपेसिटी तो कम ही है तो मैच करने में इतना इजी होगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से आपको टायर को मैच करना है अगर आप टायर से शूट कर रहे हो। तो टायर को मैच करने के बाद ओपेसिटी को कर देंगे 100 और क्लिक करेंगे इरेजर पर। इरेजर पर क्लिक करने के बाद हार्डनेस को आपको कम रखना है, इधर 70 है चल जाएगा। तो बाकी जो पार्ट है इस तरह से इरेज कर देंगे। तो आउटडोर पर शूट करने पर इतना ईजी होता है मैच करने में, आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत ऐसे कुछ रहेगा तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, इस तरह से आपको इरेज कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैं इरेज कर दिया, एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो इसको कर देता हूँ डन। और एक बार डन कर सकते हैं लेकिन और एक बार डन नहीं करेंगे, बस ऐसे ही रख दिया। रखने के बाद और एक इमेज ऐड कर लेते हैं, फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे। ये फोटो ऐड कर लिया तो आप देख सकते हो वो फोटो मैंने अभी तक डन नहीं किया, तो इसको भी कर लेंगे। जितना पार्ट हमें नहीं लगता वो पार्ट क्रॉप कर देंगे। तो क्रॉप पर क्लिक करने के बाद सिंपली इस तरह से आपको क्रॉप कर देना है। तो क्रॉप कर दिया, इसको भी कर दे डन। डन करने के बाद इसका जो ओपेसिटी होगा वो कम कर देंगे। कम करने के बाद ठीक तरह से मैच कर देंगे। और मैच करने में इतना आप ध्यान रखना कि हाइट उससे ज़्यादा ना हो ना उससे कम। तो इस तरह से आपको मैच करना है एकदम ठीक तरह से। तो मैच कर दिया, टू और एक टू के साथ कनेक्ट हो रहा है लेकिन उसको इरेज कर देंगे। तो ओपेसिटी को 100 कर लेते, फिर से इरेजर पर क्लिक करते और इरेजर पर जो हार्डनेस है वो 70 है, ठीक ठाक है। तो बाकी जो पार्ट है इस तरह से इरेज कर देंगे। और इसमें जो मेन बात है वो आप देख सकते हो, आउटडोर में फ़ोटोशूट किया जिसमें इरेज करने पर थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो रहा है, थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो रहा है आप देख सकते हो। तो इस इधर ओपेसिटी 100 करेंगे और इधर एकदम इस तरह से कल कर देंगे और इधर थोड़ा और कम करके मैच कर देते हैं, मैच कर देते इस तरह से। तो देख सकते हो फोटो बहुत ही इजी तरीके से बन गया और इसको एकदम डन कर देते हैं। और गाइस इसमें जो सेव करना है आपको किस तरह से सेव करना है, सेव पर क्लिक करने पर आपका एक फ़ोटो ऑलरेडी सेव हो चुका है। उसके बाद जो इधर आपको दिख रहा है सेव PNG, तो PNG पर क्लिक करना है। PNG पर क्लिक करने के बाद जो क्लैरिटी होगा ना भाई, जहर क्लैरिटी होगा, कम से कम आप 12 MB देख सकते हो। तो सेव, तो आपको इस तरह से सेव करना है। और गाइस इसमें जो जितने भी PNG होगा, सेलिब्रेशन जितना PNG होगा, वो सब PNG आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उधर से डाउनलोड करके आप कुछ भी लगा सकते हो। बस ये सब में किस तरह से ऐड करना है उतना दिखा दिया। और इधर जो थोड़ा बहुत ऐसे पार्ट है जो देख सकते हो इसमें थोड़ा ख़राब दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये आप लाइटरूम में जाकर बहुत ही इजी तरीके से हीलिंग टूल से ये सब ठीक कर सकते हो। तो लाइटरूम का जो एडिटिंग है वो पहले से बहुत सारी वीडियो बना के रखा हो, आप चाहो तो उसमें देखकर रिटच कर सकते हो। नहीं तो बहुत सारे प्रीसेट भी और वीडियो में है, उससे आप डाउनलोड करके मस्त तरीके से पेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका एडिटिंग भी हो जाएगा। और इसका जो ग्रीन कलर है ये हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कलर की यही फायदा है। तो गाइस हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस इस तरह से आपको एडिटिंग करना है बहुत ही सिंपल तरीके से। और अभी भी हैप्पी न्यू ईयर की बहुत टाइम है, तो और एक एडिटिंग ट्यूटोरियल डालने की ट्राई करूँगा। और गाइस आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। तो मिलते हैं ऐसे ही हर वीडियो।